इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीके न्यूज पर। दोस्तों, टीवी का सबसे मशहूर और दमदार कार्यक्रम तारक मेहता का उल्टा चश्मा रोजाना किसी न किसी धमाल के साथ दर्शकों का खूब मनोरंजन करता है। इस शो के हर सदस्य अपने अपने किरदार को बखूबी निभाते हैं। हालांकि कुछ दिनों से तारक मेहता का उल्टा चश्मा में इसकी एक किरदार सोनू नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि इस रोल को निभाने वाली निधि भानुशाली ने अपने हायर स्टडीज के लिए शो छोड़ दिया था। तब से ही कार्यक्रम के निर्माता नई सोनू की तलाश में लगे थे, लेकिन अब उनकी यह तलाश पूरी हो चुकी है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा को सोनू के रूप में एक नई कलाकार भी मिल गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तारक मेहता का उल्टा चश्मा में सोनू के लिए पलक सिद्धवानी को चुना गया है। इस शो के जरिए पलक सिद्धवानी टीवी की दुनिया में न्यू कमर के तौर पर एंट्री करेंगी। इससे पहले वह एड फिल्म्स में नजर आ चुकी हैं, साथ ही वह रोनित रॉय और टिस्का चोपड़ा की वेब सीरीज होस्टेज का भी हिस्सा रह चुकी हैं। बता दें कि पलक सिद्धवानी ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लिए शूटिंग भी शुरू कर दी है और वह जल्द ही टीवी पर नजर भी आने वाली हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा 11 साल से सब टीवी पर प्रसारित हो रहा है और इस शो में हर हफ्ते नई नई कहानियों के जरिए दर्शकों के दिल में खूब जगह बनाई है। शो में कई उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन इन सब के बावजूद सीरियल लगातार सफलता की ऊंचाइयों को छूता रहा है। फिलहाल शो की लीड एक्ट्रेस दया बेन यानी दिशा वकानी भी शो से दूर हैं। फैंस को तो दिशा की कमी काफी खल रही है, लेकिन इसके निर्माता दया बेन के कैरेक्टर को लाने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रहे हैं। दोस्तों, आपको नई सोनू कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबा दें।